मैं हूँ आपके साथ में। हमारे स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें दिखाया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने थोड़े दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, आज वो अपनी पार्टी का यहाँ लोकार्पण कर रहे हैं और यहाँ पर एक स्पीच और भाषण देते नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद यहाँ उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही आज उन्होंने अपनी यहाँ पर एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, उसके बाद यहाँ देखा गया कि वो कांग्रेस को लेकर बहुत कुछ कहते नजर आए और साथ ही साथ यहाँ पर अशोक गहलोत को लेकर भी बहुत कुछ कहा। देखिए, आज आपको बता दें कि आज राजस्थान में जो घमासान युद्ध मचा हुआ है, एक तरफ गहलोत एक तरफ पायलट, दोनों के बीच में अनबन, इन सब को लेकर यहाँ गुलाम नबी आजाद बहुत कुछ कहते नजर आए। इस पूरी वारदात के लिए देखिए हमारा ये वीडियो। कहना चाहूं उनसे, क्योंकि आज फसल का मौसम है काटने का और घास काटने का, और कश्मीर में सेब था, तो यहां सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये निवेदन करूंगा सरकार से कि अब ये जो हमारा दरबार है जिससे हमारी इकॉनमी चलती थी जम्मू की, जम्मू में अगर देखेंगे, मैं जब चीफ मिनिस्टर था मैं भी सोचता था दरबार को पैसा बचाऊं, तो मैं जब से, मेरे ख्याल में यूथ कांग्रेस के जमाने से, जब मैं शहर में जाता हूं तो रघुनाथ मंदिर जी से यहां शहर शुरू होता है, सिटी चौक में वहां से जाता हूं और ऊपर नहीं जहां महाराजा का पैलेस है वहां से मुबारक मंडी में निकलता हूं हमेशा से, तो तब भी मैं सिटी चौक यहीं रघुनाथ मंदिर जी से शुरू हुआ और 4-5 घंटे मुझे लगे और दाएं और बाएं तरफ बड़े, हमारे वोट चाहे किसको कौन देता है उससे मुझे फिक्र नहीं, लेकिन हमेशा आओ भगत में वो नंबर वन रहते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभार प्रकट करता हूं। अगर मैं फ्रूट जमा करूंगे तो कई ट्रकों में जाएगा, लेकिन मैं खाली छूता हूं उसको। तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा सोचना नहीं, हम तो खत्म हो जाएंगे। क्यों? कहा जब कश्मीर से आते हैं तो हमारी जो बिक्री होती है वो 100 गुना 1000 गुना ज्यादा होती है, तो इसलिए होटल उस पर चलते हैं, टी स्टॉल उस पर चलते हैं, टैक्सियां चलती हैं, टांगे चलते हैं, और दुकानदार का जो बिजनेस है वो सब उस पर चलता है जब दरबार, और दरबार मंदी तब हो जाती है दरबार जब शिफ्ट होता है। तो मेरे ख्याल में जम्मू ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन अब माता वैष्णो देवी के लिए वहां तक नीचे तक जाती है, उसका बहुत सारे श्रद्धालुओं को, लाखों श्रद्धालुओं को जो हमारे हैं माता के जो जाना चाहते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन जम्मू का कारोबार उससे ठप हो गया, उससे हमारी टैक्सी का काम बन गया, जो जाते थे यहां आते थे रात के, होटल्स का, टी स्टॉल्स का, दुकानों का, तो उसका एक ही इलाज है कि दरबार में लोग आए ज्यादा से ज्यादा। और मैं जम्मू के लोगों से भी अपील करूंगा कि जो बीच में दीवारें बन गई उन दीवारों को तोड़ना शुरू करें, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं, आज से नहीं हजारों सालों से जम्मू डिपेंडेंट है कश्मीर पर, कश्मीर डिपेंडेंट है जम्मू। जब स्टेट को डाउनग्रेड और 370 को डाउनग्रेड करने, ये खत्म करने के बाद मैं यहां जम्मू आया और कश्मीर भी गया सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेकर, तो यहां ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया था, दुकानें खत्म हो गई थी, लेकिन 70% हमारी जो इंडस्ट्रीज थी कठुआ सांबा जम्मू में वो बंद हो गई थी। तो मैंने कहा उनसे क्यों बंद होगी, उनमें से 60% का सामान सब कश्मीर जाता था, मुझे नहीं मालूम था पहले, मैं सोचता था ये
कठुआ वाला है पंजाब वगैरह जाता, नहीं कहा कि हमारी जो मार्केट है वो कश्मीर है। तो कश्मीर जब बैठ गया कठुआ सामने वाले बैठ गए, तो उसका मतलब है कि हमारे लाखों लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है कठुआ सामा जम्मू में इंडस्ट्रीज में, अगर कश्मीर बैठ गया तो ये भी बैठ गया, तो हमारा ट्रांसपोर्ट बैठ गया, बिजनेस बैठ गया, क्योंकि आड़ती सब यही जम्मू से है, वो फिर सीधे अमृतसर भाग देंगे। तो मैं निवेदन करूंगा दोनों रीजन की कि ये जो दूरियां हैं उनको खत्म कर दे, ये आर्टिफिशियल दीवारें जो है इनको तोड़ें और एक दूसरे का स्वागत करें, और ताकि कश्मीर को भी फायदा हो जम्मू। कश्मीर की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है फ्रूट गोर्स। कश्मीर में भी तीन चीजों का बहुत नुकसान हुआ पिछले 3-4 सालों से, एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री का, दूसरा हॉर्टिकल्चर का, तीसरा हैंडीक्राफ्ट। अब हॉर्टिकल्चर टूरिज्म अच्छा है कि इस साल अच्छा हुआ समर में, चलो फायदा हुआ, हॉर्टिकल्चर भी इस दफा बम्पर क्रॉप, लेकिन बम्पर क्रॉप का फायदा तब होगा कि ये दिल्ली की मंडियों तक पहुंच जाए। जो लोग सेब के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे पुरानी मिसाल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है अगर वो खराब हुई, इसी तरह एक पेटी में एक बक्से में एक सेब अगर दागी हो, वो दागी कैसे होता है, गिर गया और रख भरते भरते उसमें गलती से वो एक पेटी में चला गया, तो एक हफ्ते में सारा भूसा उसका बन जाएगा पूरी पेटी का। तो इसलिए हर पेटी में कोई ना कोई एक सेब तो गलत जाता है जो गिर गया होगा और भर दिया, बहुत अच्छा है, लाल पीला है, लोगों ने समझ गया इसके तो पैसे आएंगे, चाहे दाग लगाए लोगों। तो इसलिए अगर सेब की ट्रक रातों रात दिल्ली ना पहुंचे, मंडी ने पहुंचे, तो आपका वो फसल ऊपर वाले ने तो बम्पर दिया लेकिन हमारी गलती की वजह से वो रुक गया, 5-5 रामबन वो बानहाल रुक गया। मेरी गवर्नमेंट से और ट्रैफिक वालों से गुजारिश होगी, गवर्नर साहब से मैंने कोशिश की तो शायद वो छुट्टी पे हैं, फिर मैं बात करूंगा, लेकिन ट्रैफिक वालों से मेरी गुजारिश है कि अभी एक महीना कश्मीर से फ्रूट को जम्मू आने के लिए और पूरी जहां जहां उसका डेस्टिनेशन हो मंडियों में जाने के लिए वही प्रायोरिटी देनी चाहिए जो हम एम्बुलेंस को देते हैं। एम्बुलेंस जब चलती है तो सब दाएं बाएं हो जाती है, यही प्रायोरिटी दी जाए, वरना हमारे बम्पर क्रॉप का वही फायदा है। आखिर में यहाँ देखा गया कि किस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को लेकर यहाँ एक बड़ी बात कही, और इस वीडियो में आपको पता भी चला होगा कि उनकी पार्टी का नाम क्या था। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा SPN9 News। धन्यवाद।